नमस्कार दोस्तों, 24 टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक मल्टीमीटर की। आप में से काफी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि मल्टीमीटर कौन सा खरीदना चाहिए, तो मैंने अपने लिए एक मल्टीमीटर मंगाया है। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी एक था लेकिन उसमें कुछ कुछ फंक्शन नहीं थे, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है मेरा मल्टीमीटर जो कि मुझे आज ही रिसीव हुआ है। मैंने इसे banggood.com से मंगाया है जो कि एक चाइनीज साइट है, लेकिन वहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया या फिर यहाँ पे जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उससे काफ़ी सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने वहीं से एक सर्च किया और एक मुझे मल्टीमीटर अच्छा लगा, तो जो मैंने ऑर्डर कर दिया। मुझे लगभग ये 15 दिन बाद रिसीव हुआ है इंडिया में, जो कि रीज़नेबल है क्योंकि इतनी दूर से मैंने फ्री शिपिंग चूज़ की थी, तो ऑब्वियसली इतना टाइम लगता ही है। हालांकि पैकेट मैंने पहले ही ओपन कर लिया था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ताकि मैं चेक कर सकूं कि सारा चीज़ें सही भी हैं या नहीं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पैकेट कुछ इस तरीके का आता है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं है, सिर्फ एक लेबल लगा हुआ है जिसके अंदर मेरा एड्रेस है और कहाँ से शिप हुआ है वो इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आ गया हमारा एक मल्टीमीटर। तो आप देख सकते हैं एक जेनरिक सा मल्टीमीटर है, सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है मेड इन चाइना, यहाँ साइड में भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर ही लिखा हुआ है, इस साइड भी, इसके लेफ्ट साइड में भी, और इस साइड इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है ANENG। बाकी यहाँ पे कुछ बार कोड है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो चलिए इसकी फर्दर अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं, क्या क्या कंटेंट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा एक पेयर ऑफ प्रॉब जिससे हम अपने कंपोनेंट टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा हमारा एक मल्टीमीटर। उसके बाद हमें मिल जाएगा एक, क्योंकि टेम्परेचर भी सेंस कर सकता है तो हमें टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक मिल जाएगा थर्मो रेसिस्टर। एक मिल जाएगा हमें इसका एक पाउच जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जो कि इसको कैरी करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक मिल जाएगा हमें यूज़र मैनुअल, और जिसकी अच्छी बात ये है कि ये इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में है। हालांकि काफ़ी छोटे अक्षर हैं लेकिन फिर भी आप पढ़ के इसको काम तो चला ही सकते हो। तो यहाँ पे इसका मॉडल लिखा हुआ है, मैंने जो मॉडल मंगाया हुआ है AN8002। इसका एक और मॉडल आता है 8001, लेकिन 8002 में मुझे फंक्शन ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने ये वाला चूज़ किया है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। ये आ गया हमारे पास मल्टीमीटर। तो इसके अंदर देखिए काफ़ी सारे फंक्शन है, इससे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो जो कि वोल्ट में है और मिली वोल्ट में भी है, एसी और डीसी दोनों। और सबसे खास बात कि ये वाला जो मल्टीमीटर है ये ट्रू आरएमएस है। जो हमारे नॉर्मल मल्टीमीटर होते हैं वो एसी वोल्टेज को हालांकि मेजर तो कर देते हैं नियर अबाउट, लेकिन बिल्कुल इतनी एक्यूरेटली नहीं करते जितने आरएमएस वाले करते हैं, ट्रू आरएमएस। तो चलिए दोस्तों क्विकली मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये डीसी वोल्टेज को 60 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, काफ़ी वाइड रेंज है इसकी। एसी वोल्टेज की अगर बात करें तो ये 60 मिली वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो 0 से लेके ये 60 मेगा ओम तक रेसिस्टेंस को मेजर कर सकता है, ये भी काफ़ी वाइड रेंज है क्योंकि हमारे जो रेगुलर मल्टीमीटर होते हैं उनमें अराउंड 2 मेगा ओम की ही रेंज होती है, जिसके बियॉन्ड वो मेजर नहीं कर पाते हैं। अगर करंट की बात करें तो ये 60 मिली एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक डीसी और एसी दोनों में ही मेजर कर सकता है करंट को। और अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो ये 9 नैनो फेराइड से लेके 9 मिली फेराइड तक मेजर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये 9 मिली फेराइड है, माइक्रो फेराइड नहीं है, माइक्रो फेराइड इससे थोड़ा सा कम होता है और ये उसके भी बाद तक मेजर कर सकता है, काफ़ी वाइड रेंज है इसकी। और फ्रिक्वेंसी ये 0 हर्ट्ज से लेके 9 मेगा हर्ट्ज तक मेजर कर सकता है, ये भी काफ़ी वाइड रेंज है। और जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है तो ये -20 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो चलिए इसका एक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। यह सामने की तरफ आपको एक रोटरी स्विच दिखता है जिसकी मदद से आप वेरियस फंक्शन के अंदर स्विच कर सकते हो। यहाँ नीचे की तरफ आपको 3 सॉकेट दिख जाएंगे। ये सेंटर वाला जो सॉकेट है वो कॉमन है, ये यहाँ पे ब्लैक वायर लगती है, ये कॉमन पोर्ट है हमारा। लेफ्ट साइड वाला हमारा सॉकेट करंट मेजर करने के काम आता है, जब भी आपका करंट जो भी आप मेजर करने जा रहे हो अगर वो 600 मिली एम्पियर से ज़्यादा है तो आपको राइट साइड वाले में ना लगा के लेफ्ट साइड में लगाना है। लेफ्ट साइड वाला आपका हैवी ड्यूटी वाला सॉकेट है जिसमें आप अप टू 10 एम्पियर करंट मेजर कर सकते हो। और ये जो राइट साइड वाला सॉकेट है ये हमारा मेन सॉकेट है, इससे आप कैपेसिटेंस, वोल्टेज, हर्ट्स सब कुछ मेजर कर सकते हो और करंट भी मेजर कर सकते हो अप टू 600 मिली एम्पियर, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये दोनों ही आपके पोर्ट, ये वाला और लेफ्ट वाला और राइट वाला फ्यूज्ड है।
यानी अगर 10 एम्पियर से ज्यादा लेफ्ट साइड वाले से और अगर 600 मिली एम्पियर से ज्यादा राइट साइड वाले से अगर आप करंट कभी मेजर करते हो या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके अंदर एक फ्यूज है जो आपके मल्टीमीटर को खराब होने से बचाता है और फ्यूज ब्लो हो जाता है। यहाँ ऊपर की साइड आपको दो एडिशनल बटन दिखते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला जो बटन है ये होल्ड का और बैकलाइट का काम करता है, यानी अगर आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो और अगर आप उसको बाद में देखना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, तो आपको इसको एक बार प्रेस करना है तो ये होल्ड पे आ गया। आप देखिए यहाँ पे होल्ड का सिंबल भी बना हुआ आगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, वहीं पे फ्रीज हो गई है। और अगर आप इसमें बैकलाइट ऑन करना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी देर प्रेस करके रखना और इसकी बैकलाइट ऑन हो जाएगी, यानी अगर आप किसी डार्क एरिया में काम कर रहे हो। ये राइट साइड वाला बटन आपका वेरियस फंक्शन में स्विच करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसको ओम की डायरेक्शन में किया हुआ है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी, डायोड मोड, कैपेसिटेंस मोड चारों में स्विच कर सकता हूँ इस बटन की सिलेक्शन के जरिए। और बाकी आप रोटरी स्विच की मदद से आप काफ़ी सारे वेरियस फंक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे मैं अभी फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन में चला गया, ये एम्पियर वाले फंक्शन है, ये मिली एम्पियर वाला फंक्शन है और ये वाला हमारा टेम्परेचर वाला फंक्शन है। तो ये तो था इसका दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू। चलिए क्विकली मैं आपको इससे कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें इसको कैपेसिटेंस मोड में डालना है और ऊपर से सिलेक्शन से, यानी जो सिलेक्शन वाला हमारा स्विच है, इससे हमें कैपेसिटेंस मोड पर जाना है। तो जब भी हमारे यहाँ पे NF लिखा हुआ है यानी नैनो फेराइड, जो कि बाय डिफॉल्ट इसकी सबसे लोएस्ट यूनिट है, उसमें हमें डालना है और उसके बाद हम अपना कैपेसिटर मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटेंस जिसको भी हमें चेक करना है। तो चलिए एक बार एक कैपेसिटर मेजर करके देख लेते हैं। इसके लिए मुझे ये प्रॉब लगानी होगी, प्रॉब पहले लगा देते हैं। प्रॉब लगाने के लिए सेंटर में लगाता हूँ मैं ब्लैक वाली और ये रेड वाली राइट साइड वाले में लगाता हूँ। और एक कैपेसिटेंस ले लेते हैं। इस कैपेसिटर की दोस्तों वैल्यू 824, तो चलिए देखते हैं कि हमें कितनी रीडिंग देता है। तो इसके लिए मैं ब्लैक वाली पहले यहाँ पर लगा देता हूँ और रेड वाली दूसरे टर्मिनल पर लगाता हूँ। तो देखिए मुझे 813 मिल रहा है जो कि 824 के अराउंड लगभग ठीक ही है, क्योंकि इस कैपेसिटर की अपनी एक टॉलरेंस भी है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है वैल्यू जो भी उसमें इंडिकेटेड होती है। तो ऑलमोस्ट इसका मतलब ये कैपेसिटर काम कर रहा है और ये कैपेसिटर ठीक है। अगर ये कैपेसिटर ओपन होता तो मुझे इसी तरीके से जीरो दिखता, और अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होता तो भी मुझे यहाँ पे जीरो ही वैल्यू दिखती। देखिए जीरो लोड, विच मीन्स कि हमारी जो प्रॉप्स हैं वो आपस में शॉर्ट है या फिर जो हमारा कंपोनेंट जिसको हम चेक कर रहे हैं वो शॉर्ट है। तो दोस्तों ये था इस मल्टीमीटर का क्विक ओवरव्यू। अगर आप कोई मल्टीमीटर देख रहे हैं जो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो और काफ़ी लाइट वेट हो और काफ़ी वाइड रेंज भी हो उसकी, तो आप ये वाला एक मल्टीमीटर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। ये काफ़ी लो कॉस्ट भी है, मुझे ये bengo.com से 900 के आसपास में मिला है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है इतने सारे फंक्शन के लिए। जो हमारे रेगुलर हमारे जो मल्टीमीटर होते हैं जो काफ़ी भारी होते हैं या फिर काफ़ी बड़े भी होते हैं, अगर आप देखें मेरे पास एक जो एग्जिस्टिंग मल्टीमीटर है उससे अगर आप मिला के देखें तो इससे छोटा भी है और उससे काफ़ी हल्का भी है। ये काफ़ी भारी है और ये उससे काफ़ी हल्का है। फॉर्म फैक्टर भी इसका छोटा है, प्लस फंक्शन भी इससे ज़्यादा है इसमें। अगर आप देखो तो अगर मैं इसमें रेसिस्टेंस की बात करूँ तो 2 MΩ तक ही मैं इसमें मेजर कर सकता हूँ, जबकि इसके अंदर बहुत वाइड रेंज है इसके अंदर। तो दोस्तों अगर आप एक लो कॉस्ट, एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट और काफ़ी लाइट वेट मल्टीमीटर अगर आप ढूंढ रहे हो जिसमें काफ़ी सारे फंक्शन हो, तो आप इस वाले मल्टीमीटर को कंसिडर कर सकते हो। इसका परचेजिंग लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ANENG के 8002 मल्टीमीटर की अनबॉक्सिंग और एक क्विक ओवरव्यू का। अगर आपका इस मल्टीमीटर से रिलेटेड कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।